हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूँ आशीष टेटे एंड आज बात करते हैं आपके अगले कंसेप्ट के बारे में, दैट इज योर बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि आज तक हमने देखा कि अकाउंटिंग होता है, अकाउंटेंसी होता है, बुक कीपिंग, वो सब चीज़ें हमने देख ली। लेकिन हम लोगों ने एक बात उसके अंदर देखी थी कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करनी पड़ती है। तो जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे एक बात समझना जो बहुत जरूरी है, दैट इज योर ट्रांजेक्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो ट्रांजेक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, दैट इज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। तो नॉन मॉनिटरी की बात करें तो आपको वो पता है पहले से ही, बिकॉज नॉन मॉनिटरी मतलब क्या, बार्टर सिस्टम, एक चीज ली दूसरी चीज दी। मतलब क्या, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, वो एक पॉटर है, वो पॉट्स बनाता है, और मैं हूँ जो खेती करता हूँ, मेरे पास गेहूं है, तो अगर उसको गेहूं चाहिए तो मुझे पॉट्स देगा, सिंपल एज दैट। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसके बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोज के अंदर बात करी है। बाकी बात करते हैं आपके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन की, तो उसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सिंपल भाषा में बताने जाऊँ तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आप कैश देते हो या फिर कैश लेते हो, और क्रेडिट मतलब उधार पे लेन देन, यानी कि अगर आपने कोई भी गुड्स उधार से लिए या फिर आपने उधार पे कुछ गुड्स दिए तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये तो हमने बहुत ही ऊपर देख लिया, लेकिन बात करते हैं जरा डिटेल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके टेक्स्ट से, जो आपका टेक्स्ट आपको मिला है। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं भी होगी तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लोगों ने बहुत ही बड़ी स्क्रीन यहाँ पे दिखा रखी है ताकि आपको दिख सके। एंड ऐसा कभी हो कि अगर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास बुक्स नहीं है पर आपको लेक्चर्स देखने हैं और कोई आप मिस नहीं करना चाहते किसी भी लेक्चर को, किसी भी दिन को, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्राफ्ट करके यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चले कि हम लोग कर क्या रहे और आपका कभी भी मिस ना हो क्लास। तो चलिए आपके स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट दिया है उधर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग्स ऑफ सर्टेन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ वर्सटाइल सिस्टम विच सर्व्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेस इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, हेंस द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज नीड टू बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डायग्राम में उन्होंने दिखाया जो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। Transactions, exchange of goods or services between two persons or parties for money or money's worth is called as transaction. यानी कि अगर आप किसी के साथ भी transaction करते हो, यानी कि आप एक तो उसको पैसे दे रहे हो या फिर सपोज, अभी ये example हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड ना। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए निकाल के रखा था। अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो, आप उसको पैसे देते हो, वो जो आप सेलर है उनको पैसे देते हो और आप कुछ ग्रोसरी परचेज करते हो, तो ऐसे केस में क्या होता है सर, ऐसे केस में ऐसा कहा जाता है कि ये आपका कैश ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि आपने कैश पे करा, राइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ डिरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। कैश का या फिर मनी का जहां पे संबंध आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यानी कि वो क्रेडिट पे भी हो सकता है या फिर वो ऑन कैश बेसिस पे भी हो सकता है। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस। तो जहाँ पे हम लोग बुक्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग की जो मेथड इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो होती है, दैट इज योर अक्रूअल। यानी कि इंडिया के अंदर तो हाइब्रिड तो उन्होंने इलीगल बता दिया, लॉ तो अलाउ करता नहीं कि दोनों की मिक्सर आप यूज़ करो, यानी कि कैश एंड अक्रूअल दोनों का मिला के मिक्सर आप वहाँ पर यूज़ करो, ऐसा अलाउ तो करते नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कौन से मेथड यूज करना पड़ता है, अक्रूअल मेथड। यानी कि आप कैश पे भी रिकॉर्ड करते हो एंड क्रेडिट पे दी हुई चीजों का, एफ क्रेडिट पे ली हुई चीजों का आप वहां पर रिकॉर्ड करते हो, राइट। पहले तो कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि आप कैश दे रहे हो या फिर आप कैश ले रहे हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000 और पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000। अगर कोई बंदा आपके पास काम करता है, आप उनकी सैलरी पे कर रहे हो, तो उनको आप कितना पे कर रहे हो, 5,000 रुपीज़। यानी कि 5,000 रुपीज़ आपने उनको पे करा, तो आपने क्या पे किया, कैश पे किया, आपने उनको कैश दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कैश पे करा तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, कैश का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो वो एक तो मॉनिटरी के अंदर आ गया, पर मॉनिटरी के अंदर भी सब क्लासीफाई कैसे हो गया, कैश ट्रांजेक्शन के अंदर, क्योंकि आपने उधर उधार नहीं रखा,
आपने दे दिया, पेड बोला है, राइट। आगे जाके हम लोग सम्स देखेंगे, ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। ये छोटा छोटा वर्ड लाइक पेड, गेव, परचेस्ड, मतलब ये सारी चीज़ों पे आपको डिफर करेगा कि आप वहाँ पे एक तो आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अकाउंट चूज करना पड़ता है। एंड वैसे हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पेड कर दिया, एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, राइट, पेड पे कर दिया है आपने पेड, तो कैश का संबंध यहाँ पे आ गया, आपने उनको सैलरी दे दी। और पहला जो था परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, वो तो सिंपल सा एग्जांपल था कि आपने कुछ परचेज किया और अपने कैश दे दिया। जैसे मैंने आपको वो फोटो दिखाया था जहाँ पे आप ग्रोसरी पे उनको पैसे पे करे थे एंड वो आपको कुछ गुड्स दे रहे थे जो आपने परचेज करे थे, राइट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीजिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। यानी कि सपोज अगर कोई गुड्स है आप उसको उधार पे लेके, तो सर उधार पे कौन से गुड्स लाते हैं हम लोग? सपोज अभी कैसा होता है, बहुत पहचान हो गई आपकी एंड ऐसे कोई दुकानदार जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बहुत साल से उनसे कुछ परचेस कर रहे हो एंड आप एक बार जाते हो दुकान के अंदर, आपने सोचा यार मुझे ना एक चीज़ लेनी इनसे, मतलब सपोज अभी एग्जाम्पल के लिए क्या ले हम लोग, चलो स्टेशनरी वाले अंकल है, राइट, आप तो अभी स्कूल में जाते रहते हो तो आपके घर के जो भी पास में स्टेशनरी का शॉप है आप वहाँ से हमेशा परचेस करते हो, तो आपका एक पहचान बन गई कि ये तो, अरे ये तो हमेशा अपने शॉप में आते हैं, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि चलो ये यहाँ पे रहता है, ये अपना मतलब हमेशा का कस्टमर है। तो आप उनके पास गए और आपने उनको कहा कि अंकल मुझे ना अभी 11th की क्लास स्टार्ट हो गई है तो मुझे नोटबुक चाहिए, तो हमारे सर ने बोला कि हमें ऐसे ऐसे नोटबुक लेनी है। हालांकि अब तक मैं अब तक आपको बोला नहीं कौन सी टाइप की नोटबुक लेनी है, एट प्रेजेंट आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप कौन सी भी नोटबुक यूज़ कर सकते हो, देर इज़ नो सच ऑब्लिगेशन इन दैट केस। मतलब अगर आप क्लासेस में आते हो और क्लासेस में आने की वजह से मैं आपको बोलता कि हार्ड बाउंड की बुक्स लेके आओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करने की वजह से वो सॉफ्ट बाउंड आप कैसे रखोगे एंड किस तरह से वहाँ पे आप करोगे, तो वहाँ पे इशू आता। लेकिन यहाँ पे बेंचेस भी अच्छे अपने क्लासेस के अंदर, जब आप लाइव के लिए आओगे तो आप देख ही लोगे क्लासेस के अंदर बेंचेस भी अच्छे, तो वहाँ पे हमें सॉफ्ट और हार्ड का कोई टेंशन नहीं रहता। हालांकि अगर हमारे पास सिर्फ चेयर्स होते या फिर वो फ्लैप वाले चेयर्स होते तो हम लोग बोलते कि चलो भाई यार शायद से आप कभी जगह नहीं मिले, आपको प्लास्टिक का चेयर लेके बैठना पड़े, तो तब भी आप एक काम करो हार्ड बाउंड लेके रखो। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा कोई केस नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन मैंने आपको बोल दिया कि हार्ड बाउंड बुक लेके आओ जिसका वो कवर जो होता है वो थोड़ा कड़क होता है, हार्ड रहता है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा राइटिंग पैड कैरी करने का। तो यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया हार्ड बाउंड वाला बुक लेके आओ, तो आप क्या करते हो, अब 11th के अंदर हो तो आप ज़्यादा तो इतने बड़े नहीं हो गए कि आप विदाउट अपने मॉम एंड डैड को पूछे आप डायरेक्टली कुछ डिसीजन ले लो, राइट। हम लोग एक बार तो हम लोग मॉम एंड डैड को पूछते ही है, हम उनसे सलाह जरूर लेते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है एंड उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हम लोग पूछ लेते हैं उनसे एक बार कि ये लूँ या ये लूँ, हम लोग एक रेफरेंस तो उनसे ले ही लेते हैं। तो हम लोग जब आप शॉप के अंदर जाते हैं तो आपने शॉप के अंदर देखा कि अरे ये 3-4 बुक्स है, ये 2-3 ब्रांड्स है, इसके अंदर वो आ रहा है, आपने क्या कहा, एक काम करो अंकल ये जो 3 बुक्स है ना आप मुझे घर पे दे दो, मैं घर पे आके देख लूँगा कि किस तरह से बुक्स है, एक बार मम्मी पापा को दिखा लेता हूँ कि एक बार सर को दिखा लेता हूँ, वीडियो क्लासेस चलते हैं हमारी लाइव क्लासेस चलते, तो आपको सर को दिखा लूँगा कि सर ये देखो ऐसी 3 बुक्स है, ये 3 ब्रांड्स हमारे पास, कौन सी वाली चूज़ करें। तो इसलिए आपने क्या कहा, एक 3 बुक्स ना हमको घर पे दे दो। तो अभी आपने क्या, आपको 3 बुक्स खरीदनी है क्या? नहीं, आपको कौन सी बुक खरीदनी, एक ही बुक खरीदनी है आपको, तीनों में से कोई भी एक, पर आप तीनों बुक्स लेके आए घर पे, राइट। तो अभी तीनों बुक्स जो आप लेके आए तो अंकल ने आपको तीनों के पैसे ले लिए क्या? नहीं, हालांकि उन्होंने आपसे तो एक भी बुक का पैसा नहीं लिया, क्यों? पहचान है, हमेशा से जानते हैं कि आप उनके पास हमेशा जाते हो, तो बोलते हैं ठीक है यार देख लो जो नहीं चाहिए वो वापस लेके आना, जो खरीद लोगे जो रख लोगे उसका पैसे दे देना, सिंपल। तो इसी तरह से आपने क्या किया, आपने उधार पे गुड्स लाए, एक्चुअली इसे सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कहते हैं। जब हम लोग सेलर के एंगल से देखें तो ये होता है सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी कि आपने किसी को कुछ गुड्स सेंड किए जो कि आपने अप्रूवल बेसिस पे दिया, यानी कि वो जो पसंद आए वो रखेगा बाकी ये वापस ला के दे देगा। इसका अकाउंटिंग पूरी तरीके से अलग होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डे टू डे एग्जाम्पल दिया जहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग भी उधार पे गुड्स लाते हैं, भले ही हमारा कोई बिजनेस ना हो, भले ही हम लोग किसी गुड्स के अंदर ट्रेड ना करते हो, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ आइटम मार्केट में से लाते रहते जो हम लोग उधार पे लेके आते, राइट। तो अगर ऐसी कोई गुड्स आप लेके आए तो उधार पे, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर जैसे कि अंकल के नज़र से देखे, शॉपकीपर जो थे उनके एंगल से देखे, तो उन्होंने गुड्स दिए हैं वो भी उधार पे दिए, वो भी उनके लिए क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000, राइट, और सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमन सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। तो ये थे उसके एग्जाम्पल्स।
नॉन मनी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं. द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में मनी का कहीं पे भी उल्लेख नहीं आता है, कभी भी हम लोग वहाँ पे जिक्र नहीं होता है मनी का कि वहाँ पे मनी है नहीं है, कैश है नहीं है, पेड है रिसीव्ड है, कुछ नहीं. आपने गुड्स दिया, आपको गुड्स मिला, सिंपल एज दैट. तो ऐसे जो होते हैं, एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनादर इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शंस. एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एंट्री. यानी कि आप किसी भी रिकॉर्ड को वहाँ पे जब उसका बुक्स के अंदर आप उसको नोट करते हो या फिर रिकॉर्ड करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री. ओके, एक ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड किया, वो होती है एक एंट्री. यानी अगर मैं शॉप के अंदर जाता हूँ, शॉप में से अगर मैंने कोई भी एक गुड्स, यानी कि सपोज अभी मेरा कोई शॉप नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही गया, मेरे को सपोज खरीदनी एक टी शर्ट, राइट. मैं टी शर्ट खरीदने के लिए शॉप के अंदर गया, मेरे फ्रेंड का शॉप है तो मैं उनके शॉप के अंदर गया, मैंने एक टी शर्ट खरीदा, राइट. तो एक टी शर्ट खरीदा, उन्होंने मुझे सेल करा, तो वो जब अकाउंटिंग कर रहे हो, जो बुक कीपिंग कर रहे हैं, वो जो सेलर है, वो जो मेरे फ्रेंड है, वहाँ पे क्या एंट्री करेंगे कि टी शर्ट उन्होंने मुझे सेल किया, राइट. तो उनके लिए गुड्स क्या है, टी शर्ट उनका गुड्स हो गया, मुझे दिया. पर मैंने क्या किया, मैंने तुरंत कैश दे दिया, मैंने क्रेडिट पे नहीं लिया, मैंने तुरंत कैश दे दिया. तो उनके दो अकाउंट सेट हुए, एक तो था टी शर्ट और दूसरा था कैश. दो ही चीज़ों का वहाँ पे उल्लेख होगा, एक तो टी शर्ट दूसरा कैश. तो ये जो दो चीज़ें मिलके एक एंट्री वो बनाते हैं ना, एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री. ओके, इतना ही समझ लो. गुड्स कहा जाएगा, कैश कहा जाएगा, इन दोनों को पहचानते कैसे, सब देखने वाले चैप्टर 2 में. अब भी सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लो कि ओके, दो चीज़ों का वहाँ पे लेन देन हुआ, मैंने टी शर्ट लिया, उनको कैश दिया, दो चीज़ें एक्सचेंज हुई, इनका हमने एक ट्रांजैक्शन पकड़ा, इस एक ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया बुक्स के अंदर, उसको बोल दिया एंट्री. ओके, नरेशन. अभी काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग यार कितनी एंट्रीज पास करते दिन भर, कितनी सारी एंट्रीज, याद कैसे रखेंगे कि कौन सी एंट्री किस चीज़ की थी. भाई बहुत जगहों पे तो दो ही चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, एक तो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स, दूसरा एक्सचेंज हो रहा है कैश. एक तो गुड्स, एक तो कैश. अब मेरा दोस्त याद कैसे रहेगा कि ये मैंने आशीष को सेल करा था, समझ रहे हो. इसी की वजह से हम लोग उसको नरेशन देते हैं. नरेशन मतलब एक छोटे से लाइन के अंदर हम लोग ब्रीफ दे देते हैं एंट्री के नीचे ब्रैकेट्स के अंदर कि ये एंट्री के अंदर हमने ये सेल करा. तो उधर क्या लिखेंगे, बींग गुड सोल्ड टू आशीष. ओके, या फिर बींग गुड सोल्ड, सिंपल. उनको जैसे भी लिखना है, जो भी लिखना है, वहाँ पे वो उस तरह से लिख देंगे. वो नरेशन के अंदर आता है, जैसे हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये इस चीज के बारे में था ये एंट्री. ओके, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज अ नरेशन. इट इज ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्री एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ड बींग और फॉर. ओके, बींग, हम लोग यूजुअली बींग ही यूज करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर. हम लोग जब भी कुछ भी लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बींग गुड सोल्ड टू आशीष. मतलब हमारा जो फ्रेंड है वो क्या लिखेगा कि बींग गुड सोल्ड टू आशीष और बींग गुड सोल्ड. बींग ही ऐसा एक वर्ड है जो बहुत बार यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूट भी मिलता है, दैट इज बींग और फॉर. आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स पे हम लोग बींग ये वर्ड ही यूज करते हैं. गुड्स, द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स. दिस आर परचेस्ड ऑन और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट. जो भी चीज़ के अंदर आप डील करते हो, एक तो आपने उसको मतलब आप किसी और से लेके आए, किसी और ने मैन्युफैक्चर किया, आप लेके आए और आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपने मैन्युफैक्चर करा और आप खुद ही उसको सेल कर रहे हो, तो एनीथिंग, मतलब आपने जो भी चीज़ के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, जिसको आपने एक तो मैन्युफैक्चर किया फिर लेके आए, पर आपका उसके अंदर इंटेंशन क्या है कि आपको उसमें से प्रॉफिट चाहिए. तो ये जो आपका इंटेंशन है, इस इंटेंशन को लेके हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गुड्स. यानी कि आपने ऐसी चीज़ आपके पास है जो आपने सेल करने की इंटेंशन रखते हो और उसमें से आपको प्रॉफिट की अपेक्षा है, समझ लो, दैट इज योर गुड्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट. यानी केमिस्ट मतलब फार्मेसी, जो हमारे मेडिकल शॉप होते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं. तो वो जो मेडिकल शॉप ओनर्स हैं उनके लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन. वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर. पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजिन, गेयरबॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स. तो उनके लिए भी वो क्या हो गए, गुड्स, सिंपल एज दैट. बाकी अब बात करेंगे हम लोग कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स की
अगले वाले वीडियो में। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल कंसेप्ट थी एंड मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, मैं जो बोलते जाता हूँ आप बाजू में कहीं ना कहीं लिख लेते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं आई है, मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी जल्दी परचेस कर लो। अगर नहीं भी आई है तो कोई इशू नहीं, उसके अंदर आप वेट करो। पर तब तक जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं आपको बार बार एग्जांपल्स देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आप नोटबुक में कहीं लिख लिया करो या फिर ऐसा कुछ लिख लिया करो, डोंट वरी, लिखा नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपका जो ऐप है उसके अंदर अवेलेबल है, तो आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, कोई चार्ज नहीं रहते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय।